रहमान नेमत रहमतुल्लाह वबरकातुहु। दोस्तों आज हम बनाएंगे बच्चे भी मूंग की दाल से रोटी। मूंग की दाल के रोटी बनाने के लिए कुछ सामान काटा, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर। कल की मूंग की दाल बची हुई है, इसको वेस्ट नहीं करना। जैसे कि सामान हमें यूज़ करना होता है अपना हर, तो इसमें हम ये सब सामान ऐड कर देंगे मसालों के साथ। इसमें लाल मिर्च भी डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है अपने हिसाब से। आप जो मसाला यूज़ करते हैं, चाट मसाला, गरम मसाला, जो आपको अच्छा लगता है, प्याज, वो सॉरी अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं इसमें सिर्फ, क्योंकि इसमें दाल में पहले से मसाले और सब्ज़ियाँ मिलेंगे, इसमें थोड़ी सी ये बस ये डालूँगी, टमाटर, हरा मसाला और नमक डालूँगी बस। आप चाहें तो इसको इस पूरे मेथड को रोटी के अंदर भर सकते हैं। आप चाहें तो इसे आटे में गून के पका लीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन बस ये वेस्ट नहीं होगा और आपका खाना भी अच्छा बनेगा, टेस्ट भी आएगा। आप भर के बनाएंगे रोटी, आटा गून के पकाएंगे, उसका टेस्ट अलग होगा। आप रोटी बना के घी लगा दीजिए, चाय आप पराठा बना दीजिए, चाय आप रोटी के अंदर भर के बना लीजिए, सबका अलग अलग मज़ा होगा। मैं फ़िलहाल इसको आटे में गूंदूँगी और इसकी सिर्फ रोटी पकाऊँगी, क्योंकि बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उन्हें तला हुआ नुकसान देगा और ये फ़ायदा भी देगा मूंग की दाल का। रोटी घी लगा के ये हमने थोड़ा सा मैश कर लिया आटा डाल के, नॉर्मल आटा डाला ये एक बाउल, और इसमें लगभग एक चम्मच बेसन भी डाल देंगे, जिससे बच्चों को अच्छा टेस्ट आए हेल्दी। और ये हमारा थोड़ा सा कुटा भुना सा जीरा है, आप चाहें तो इसमें अजवाइन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी होगा इस मौसम में। हमारे पास फ़िलहाल ख़त्म हुए हुए हैं इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब आएंगे अगली बार तो ऐड करेंगे। आप अजवाइन ज़रूर डालिए, सर्दी के मौसम में रोटी और कचौरी पराठा सब में बहुत हेल्दी होता है, नज़ले खांसी बुखार के लिए सबको ही, क्योंकि चल रहा है इस टाइम। तो बनाइए, अभी इसको बनाना शुरू स्टार्ट करते हैं। इस रोटी के साथ हम लाल मिर्च की चटनी बनाएंगे, प्योर शुद्ध वाली जो होती है ये बनाएंगे। इसमें हम ज़ीरा और नमक ऐड करेंगे, चार पांच लहसुन की जमे और थोड़ी सी लाल मिर्च, वो सॉरी हरी मिर्च, लाल मिर्च हमने ले रखी है। देखो मैं कितना गड़बड़ करती हूँ ना, यार थोड़ा सा ज़ीरा, वैसे तो मैं इसमें चुपके से टमाटर भी ऐड कर देती हूँ, बच्चों को पसंद नहीं आता है, लेकिन आज नहीं करूँगी। ये वाली चटनी असल में सब चीज़ों के लिए यूज़ हो जाती है, मतलब इसे कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं आप समझ जाइए, मुझसे बोला नहीं जा रहा इस टाइम आप ना, ये मतलब ऐसे ये शुद्ध ऐसी चटनी है अकेले, जो आप हर चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे पुलाव के साथ खा सकते हैं, पराठा, रोटी, नॉर्मल हर चीज़ के साथ ये पसंद किए जाते हैं। नहीं तो हर चीज़ की अलग अलग चटनी होती है, जैसे इमली की चटनी, आपका कच्चे आम की चटनी, टमाटर की चटनी, वेज चटनी, हरी चटनी, ग्रीन चिली की चटनी, बहुत सारी चटनी ऐसी है जिनके नाम लूँगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो सिर्फ हम ये सिंपल सी चटनी बनाएंगे सिंपल रोटी के साथ। ये हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी। बेलने में भी बहुत आसान है,
जो निकल जाए सब्जी उसको उठा के जबरदस्ती ऐड कर दो। कोई वो नहीं है कि कोई खानदान से बाहर निकले, सब अंदर ही बैठे रहने चाहिए। चलो यहाँ बैठो, इसको आराम से ज़्यादा बढ़ाइए नहीं, तवे पर ऐड कर दीजिए। और थोड़ा शुरू में फूल रखिए, ज़्यादा तेज़ हो तवा तो सिम कर दीजिए। और आप है ना फिर बहुत अच्छे से चार चार से कर लीजिए इसको, और इसकी सिकाई कर लीजिए। बिल्कुल कहीं से भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छा सा फेंक दीजिए इसको। और फिर से गरम गरम घी लगा के बच्चों को सर्व कीजिए। बीमारी में वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बार बार कह रही हूँ, मोम के दाल तो बहुत ज़्यादा ही सेहतमंद होती है। और पराठा बनाना चाहें आप लोग, पराठा बना सकते हैं, आप तेल लगा सकते हैं। मैं सिर्फ रोटी पका के घी लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ सबको फीवर हो रहा है, तो तला हुआ बिल्कुल मना है, और होना भी चाहिए तला हुआ। हमने परसों दर्द हो दो पकौड़ियाँ खानी थी तल के मेहमानों के लिए बनाई थी, वो बड़ा बुरा हाल हुआ सबका, तो वो डर गए। अब तो बिल्कुल भी पराठा वराठा बस। हमारी बन के तैयार हो गई है, हम घी लगाएंगे बढ़िया सा। अच्छा अच्छा ये हमारी एक पहले से हमने बना ली थी, इसको अच्छे से लगा दे रही है। चला हमारी रोटी बनके तैयार है, खाने लायक है। खाइए, एंजॉय करिए, बनाइए। पहले तो बनाना, पहले एंजॉय मत करना, बनाइए खाइए। मुझे दुआएं दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।